पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी समय जटा जी को प्रणाम करता हूँ। आ जाओ पाँच मिनट बैठ जाओ। ठीक है, पाँच मिनट आप बैठ जाओ। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्ला श्रवण कर रहे थे श्री लो प्रभुपाद का उपदेशान मिलता है और कल सुन रहे थे प्रभुपाद कौन है। कहती है राधा जी की नयन मणि मंजरी है। जब ये नयन मणि मंजरी गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सेवा में ये निजुक्त थी। राधा रानी कौन है? कहते करुणा कुरुमयी करुणा भरित है। राधा रानी साक्षात कृष्ण की कृपा मूर्ति है। राधा रानी बड़ी दयालु है। राधा रानी इसलिए जिसको हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं वैदग्ध्य सिंधु रसमूर्ति कृपाई का सिंधु वात्सल्य सिंधु रतिसांद्र कृपाई का सिंधु। हाँ कहते राधा रानी कहते श्री राधिके स्फुरत में कृपा मूर्ति सिंधु। राधा रानी कौन है? बोले कृपा की समुद्र है, करुणा की राधा रानी समुद्र है और हम सब उनके बच्चे हैं। हमारी कष्ट कभी राधा रानी देख नहीं सकती कि वो माँ है। तब उन्होंने श्री प्रभुपाद को नयन मणि मंजरी को बताया देखो ये जीव संसार में कितने दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, जाओ जा करके सब जीव को भक्ति के बारे में बता करके और इनको हमारी प्रेम को बारे में बता करके उनको सबके सब गोलोक वृंदावन में ले आओ। इसलिए वृंदावन से यहाँ पर आए और आ करके अभी हम कैसे वहाँ तक जा सकते। जब वो गोलोक वृंदावन जाएगा वो ब्रह्मलोक को पार करते हुए जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी उनके लिए आरती सजाना शुरू कर देते हैं। बोले भैया जब ये गोलोक वृंदावन जाएगा उसका आरती उतारना पड़ेगा, अब इसकी आरती की थाला तैयार कर लो। और चौथा काम किया श्री राधा रानी अपना जो रजिस्टर में ना हमारा नाम उसके नीचे लिख देती हूँ, अभी वो हमारी सखी बन करके आएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं परम विजय ते श्री कृष्ण संगादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण कौन है? सारे कारणों का जो मूल कारण है। यहाँ तक भी इतने चांस कलापुंस कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। इसलिए जब श्री व्यासदेव जी हैं सुतो गोस्वामी उन्होंने हैं इन्होंने जब उन्होंने बताए अलग अलग देवादेवों का बात उन्होंने बताए हैं, इसलिए उन्होंने ये बोल दिया जब भगवान का अवतार को गिना रहे थे बोले कृष्ण भी एक अवतार बोल करके, तो उन्होंने देखा गड़बड़ी हो गई। कृष्ण को बोल दिया अवतारी, अवतार नहीं ये कौन है अवतारी, कृष्ण अवतारी। अवतारी मतलब जिनसे ये सारे अवतार आते हैं। तब उन्होंने उदाहरण दिया जैसे एक एक संख्या
देखना एक संख्या किसी का आश्रय नहीं लेता है, एक बोलो पूरा है, लेकिन जब दो बोलो एक एक मिल करके तब दो होगा, तीन बोलो दो एक मिल करके तीन होगा, चार बोलो तीन एक मिलकर चार ही होगा, नहीं तो दो दो मिलकर के चार ही होगा, लेकिन जब एक बोलो सहारा नहीं लेता। इसलिए जैसे ये पूर्ण है, कृष्ण कौन है, कृष्णस्तु अपना माँ को कहते हैं, मत भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मत भयात, बरसति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मत भयात, माँ मेरे आदेश पर सारा दुनिया में सारे काम हो रही हैं। ये सूर्य जो टाइम पर उदय होता है मेरे आदेश पर, ये चंद्र जो किरण प्रदान करते मेरे आदेश पर, ये जो वायु बह रही है मेरे आदेश पर, जो मृत्यु है मृत्यु जीव को जो ग्रहण करता है मेरे आदेश पर है, हम कहते हैं ना उसको इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता। कृष्ण स्वयं कहते हैं मेरे की इच्छा के बगैर के पता भी दुनिया में नहीं हिलता है। इसलिए कृष्ण कौन है, केवल जो भोक्ता भोग करने का मालिक केवल कृष्ण, और जगत में सब उसका भोग्य मतलब सब उनकी सेवक है। कहते आप और हमारी बात ही छोड़ दो, आप हमारी बात छोड़ दो, साक्षात बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु कौन है, कहते कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में एक बार कल्प वृक्षों के नीचे कृष्ण खड़े थे, अभी कृष्ण सोच रहे हैं वो अकेले स्वरूप में मैं लीला नहीं कर सकता हूँ जब दो नहीं हो, इतने में कृष्ण बल एक अपि बहु श्याम, वो एक थे जो बहु होने की इच्छा की। कहते उनको बाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई, बोले कहाँ से, बोले रास लीला से प्रकट हुई, रास प्रकट हुई इसलिए पहला अक्षर उनको हो गया रा, और प्रकट होकर के सुंदर सुंदर फूलों को चयन करते हुए कृष्ण को सेवा करने के लिए दौड़ी धावित हुई, इसलिए उनका नाम हो गया रा और धा नाम पड़ गया। इनको बाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई और उनको डाहन अंग से कहते श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए, श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। इसलिए बोले कृष्ण देखने में काले हैं और बलदेव प्रभु देखने में गोरे हैं, केवल इतना ही फर्क है काले और गोरे हैं। देखो कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण भी रास किए, दाऊ भैया भी रास किए हैं, इनसे जितने सारे अवतार कहते शंकर शरण कारण तो यसाई गर्भोध साई चपयब दिशाई शेषांश जस्यांश सकला स नित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपदे। कहते बलदेव प्रभु कौन है, बोले जो मूल शंकर सन्नी से प्रकट होता है, कारण तो गसाई गर्भत्व साई क्राप्ति साई शेष, ये सारे जितने विष्णु हैं कहाँ से प्रकट होते हैं, श्री बलदेव प्रभु से प्रकट होते हैं। ये कृष्ण से अभिन्न है लेकिन होते हुए भी क्या कर रहे हैं, ये काले और केवल गोरे और कुछ नहीं लेकिन होते हुए भी इनके 10 शरीर से कृष्ण सेवा कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ ये पुस्तक किसका स्वरूप, बोले बलदेव प्रभु। क्यों, बलदेव प्रभु जो संधिन शक्ति है, ये संधिन आधार शक्ति के अधिष्ठात देवता से बलदेव प्रभु। कृष्ण का जो वस्त्र देखोगे कौन है, बलदेव प्रभु। कृष्ण का जो जनेऊ देखोगे कौन, बलदेव प्रभु। कृष्ण का जो पादुका देखोगे कौन, बलदेव प्रभु। जो मजरा बजाते हैं ये कौन है, बलदेव प्रभु। कहते मृदंग कौन है, श्री बलदेव प्रभु है। कृष्ण की जो सिंहासन कौन है, श्री बलदेव प्रभु। उनका चामर ये कौन है, बलदेव प्रभु। उनको जो पंखा झुलाते हैं कौन है, बलदेव प्रभु। ये अनंत रूप में, इसलिए इनका नाम अनंत, इनका नाम अनंत, ये अनंत रूप में श्री बलदेव प्रभु का सेवा कर, कृष्ण की सेवा कर रहे। आप और हमारी बात छोड़ दो, सख्या दाऊ भैया भी कृष्ण की सेवा करते हैं, वो भी पांच रसों से, उनका दास्य रूप में, उनका सखा रूप में, वात्सल्य रूप में, उनके श्रृंगार रूप में, हर रूप में बलदेव प्रभु उनकी सेवा करते हैं। इसलिए केवल मालिक कौन है, कौन है, भगवान केवल कृष्ण। और उनको बाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई, बोले इनका नाम राधा क्यों है, इनका नाम राधा क्यों है, इसलिए कहते जो राधा रानी विशेष पूर्वक कृष्ण की जो आराधना करती है, कृष्ण को जो आराध्या, आराध्या मतलब उनकी जो आराधना करती है राधा रानी। जब तक श्री राधा रानी नहीं बनाएंगे ना, कृष्ण खाना ही नहीं खाते, इसलिए केवल राधा रानी के हाथ की खाना खाती है, कृष्ण और किसका हाथ खाना नहीं खाते हैं। इसलिए राधा रानी जब नंदगांव में खाना बनाती है ना,
15-20 स्टोव लगाया होता, चार तरफ में भाटी जैसी जलती है, हैं। और राधा रानी के शरीर कैसे है, बोले इतने कोमल अंग राधा रानी की, चंद्र का शरीर किरण भी जिनका शरीर को ताप देता है, ताप लगता है, इतने कोमल राधा रानी के शरीर। लेकिन 15-20 जब चार तरफ में चूल्हा भाटी जलती हैं, राधा रानी बीच में बैठी हुई होती, इतने गर्मी में ललिता को बोलती, ललिता जल्दी जल्दी खाना बनाओ, तुम ये लड्डू बनाओ, तुम सब्जी बनाओ, तुम कढ़ी बनाओ, तुम चावल बनाओ, तुम ये बनाओ, सबको आदेश देती है सब बनाओ। और राधा रानी को कैसे लगता है इतनी गर्मी के अंदर में, जैसे एयर कंडीशनर रूम में जैसे हम बैठे, क्यों, कृष्ण सेवा में